ये बड़ा हास्यास्पद है कि जनता ने हमें पूर्ण बहुमत से दिया है, तो इसलिए दिया है आपको, जनता ने अगर आपको चुना है, पूर्ण बहुमत दिया है तो इसलिए दिया है कि एक देश का आज मुस्लिम वर्ग पूरा एक दहशत के माहौल में जी रहा है, क्या इसलिए आपको पूर्ण बहुमत से चुना गया था? आज आप रिजर्वेशन खत्म, गलत कानून बनाने से जो धारा 14 को मुतासिर कर रही है, आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि 5 और 6 साल के अंदर में हिंदुस्तान का जो भी गंगा जमुना तहजीब थी उसको इस मोदी सरकार ने, इस अमीर सरकार ने बर्बाद कर दिया है, सिर्फ अपने गद्दी के लिए, अपने वोट के लिए, ना के हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान का आदमी, एक एक आदमी जल रहा है, गरीब मर रहा है, और बड़े बड़े जो उद्योगपति है इसको ये सहारा दे रहे हैं, इसको सहारा दे रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अमीर शाह और मोदी की जोड़ी इतनी खतरनाक जोड़ी है, ये हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये सिर्फ उद्योगपति की है, ये सिर्फ RSS वालों की है। जो RSS वाले हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का झंडा अपने हेडक्वार्टर पर कभी नहीं लगाया, वो आज कहता है कि हिंदुस्तान मेरा है, अरे वो तो गद्दार है, RSS वाले तो गद्दार है। उसी का ऊपर लीजिए, कभी कुछ कभी कुछ। अब ये बिल पास नहीं होना चाहिए, ये बिल नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल बहुत दिक्कत है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बिल पास हो गया, खारिज भी हो सकता है, खारिज कराने के लिए आए हुए हैं हम यहाँ पर। अगर आप लोगों की बात नहीं मानी गई तो क्या करिएगा? क्या करेंगे, करना देंगे, बहुत कुछ करेंगे साहब, परेशान नहीं होंगे, काफ़ी टाइम से हो रहा है हम लोग सबके साथ है, और सबके साथ है, हर आदमी यहाँ, एक से भी पूछ लो कोई भी सुखी है इस सर, पिछले 5 साल से कोई सुखी है यहाँ पर? पूछो कहा जाता है सिर्फ मुसलमानों पर थोपा गया है अभी, मुसलमानों पर, हिंदू भी तो है मंच पे, देखें आप क्या कर, सिख भी हैं जी, हमारे सिख हैं, हिंदू हैं, काफ़ी लोग हैं मेरे भाई, ऐसा तो सारे के सारे हैं वहाँ पे, आप मालूम करो। चलिए ठीक, सब मर जाता है, तो हम तमाम बहुसंख्यक भाइयों से अपील करते हैं कि इनकी बातों में नहीं आ करके अपनी देश पे गौर करो, देश प्रेमी बनो, इनका प्रेमी ना बनो, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये असामाजिक लोग हैं, ये गुंडे हैं, एलिमेंट हैं, ये दागदार लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, इनका कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, ये कुर्सी के लिए इस तरह करते हैं, और ये सरकार चलाने में कामयाब नहीं है, देश हमारा बहुत बुरी दिशा में चला गया, हमारा देश आज आसियान सम्मेलन से बाहर हो गया, आप मीडिया के लोग हैं, मालूम होगा आपको कि आसियान में रहने के लायक हमारा देश नहीं है, हम कितना पीछे चले गए, इस नाकामी को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस तरह का बिल लाना देश को बांट रहा है, ताकि बांट के एक बड़े तबके को अपनी तरफ कर लेंगे और छोटे तबके को खिलाफ करके हम हुकूमत करेंगे, लेकिन इनको मालूम नहीं है, हम जब तक मुखालफत करेंगे, हम जब तक रोड पर आएंगे, जब तक इनको गुजरात वापस नहीं भेजेंगे, इनको हम नंगा कर गुजरात इनको भेजेंगे नंगा करके, इन दोनों के बदन पर कपड़ा नहीं होगा, ये दोनों गुजरात वापस जाएंगे, फिर हम लोग चैन से बैठेंगे, अगर इसे बिल वापस नहीं लिया तो हम पूरा मुल्क बंद करेंगे, पूरा मुल्क में कोहराम मचा देंगे, जब तक बिल वापस नहीं होगा हम घर वापस नहीं जाएंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आगे बस आगे कहेंगे। अजीब है, हम सब जाति मिलके देश को आज़ाद किए, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके बड़ी मेहनत से देश को, गांधी जी सब मिलके देश को कांग्रेस ने आज़ाद किया है, और इसको आके मोदी और शाह चाह रहे हैं देश को खंड खंड तोड़ दे, इस देश को बर्बाद करके दूसरे देश को गुलाम बना दे, इस देश को यहाँ के हरी जात के माने मजहब के लोग मिल के, और इस आज हमको तोड़ेंगे कल उसको तोड़ेंगे, इसी करते करते तोड़ के देश को बर्बाद कर देंगे, हम चाहते हैं कि अमन और शांति इस देश को सब मिल के चलावे,
हमारे किसी से मैंने कोई तरह की आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।